हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक देखी थी। आज मैं बताऊंगी आपको क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। क्यूब रूट निकालने की ट्रिक स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक से भी इजी है। तो चलिए, जैसा हमने कल देखा था कि हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 1 से 9 तक के स्क्वायर याद करने पड़ते हैं, उसी तरीके से हमें क्यूब रूट निकालने के लिए भी 1 से 9 तक के क्यूब याद करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको 1 से 9 तक के क्यूब याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, एक पेज पे लिख लीजिए और लिख के अपने घर में दरवाजे पे या फिर आपकी जो स्टडी अलमारी होती है उस पर चिपका लीजिए। इससे क्या होगा, जितनी बार भी उन्हें देखेंगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। या फिर आप क्या कीजिए, एक बार रात में सोने से पहले पढ़िए और एक बार सुबह उठते ही पढ़िए। देखिए, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी भी चीज़ को रटना बिल्कुल नहीं है। अब चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं जिनके थ्रू हम समझेंगे कैसे हम क्यूब रूट या हम क्या कह सकते हैं घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए, 1 का क्यूब रूट होता है 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप हमारे वीडियो देखने बैठते तो एक कॉपी और पेन साथ में ले लीजिए, जिससे कि हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं वो आप तुरंत का तुरंत नोट कर लें। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का 9, 4 का 64, 5 का 25, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। अगर आपके पास अभी कॉपी पेन नहीं है तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे पहले जो हमने नंबर दिए हैं उन्हें। पहला नंबर देखते हैं, हमारे पास है 2 7 4 6 2 5, इसका हम रूट निकालना है। तो देखिए, क्यूब का मतलब होता है क्यूब। जैसे कल हमने स्क्वायर में आपको बताया था कि लास्ट के टू डिजिट लेते हैं, इसी तरीके से क्यूब का मतलब क्या होता है, 3। तो सिंपली हम लास्ट की 3 डिजिट को देखेंगे। इसमें भी हम लास्ट नंबर देखेंगे और यहाँ पे भी सभी के लास्ट नंबर देखेंगे। फ्रेंड्स, क्यूब रूट में एक अच्छी बात ये होती है कि कोई भी नंबर 2 बार नहीं होता है। जैसे हमने स्क्वायर रूट देखा था, अगर स्क्वायर रूट में 4 आता है लास्ट में, संख्या के लास्ट में, तो 4 जो है वो 2 के स्क्वायर में भी आता है और 4 जो है वो 8 के स्क्वायर में भी आता है। लेकिन क्यूब में हमें ये सबसे ज़्यादा आराम वाली चीज़ क्या है, सबसे इजी, इसलिए इसमें क्या है कि एक नंबर 1 ही बार आता है। चलिए, और एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आपको बिल्कुल भी कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा। 1 के लास्ट में 1 आता है, सिर्फ 2 2 3 और आप कह सकते हैं 2 और 3। 2 का अपोजिट 8 और 3 का अपोजिट 9, मतलब अगर यहाँ पे 9 लिख जाए तो उसका मतलब 3, यहाँ पे 3 लिख जाए तो उसका मतलब 9। क्यों लिखेंगे, 9 के लास्ट में 9 ही आ रहा है, 8 के लास्ट में 2 आ रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 के लास्ट में 8, यहाँ पे 8 के लास्ट में 2, तो इसलिए ये चीज़ें याद नहीं करनी है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे होगा 3 का 9 3 27 होता है, 3 का 9 3 27। तो यहाँ पे देखिए आप, 3 के लास्ट में 7 और 7 के लास्ट में 3। तो इस तरीके से बस ये 1-2 पॉइंट याद कर लीजिए, बिल्कुल पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने देखा लास्ट के 3, मैंने बताया क्यूब रूट में क्या राम है, जो जिस नंबर के अगर यहाँ पे 5 है तो देखिए 5 के लास्ट में 5 आएगा, 6 के लास्ट में 6 आएगा। सिर्फ ये 2 नंबर ऐसे हैं 2 और 3 जिनका 7 का 3 हो जाता है, 3 का 7। अब चलिए, 5 के लास्ट में आ गया 5। अब हमें बस यही देखना है कि ये वाला जो नंबर है ये किसी भी नंबर के क्यूब से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा या बराबर हो सकता है। तो हमने क्या तो कितना है, बस 274। अब देखिए आप, 343 जो कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 6 का कितना होता है, 216, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6।
यानी कि सिंपली हमारा किसका आ गया 65 का। चलिए अब दूसरा एग्जांपल हमने लिया है 409 से। अब देखिए 6 लास्ट में क्या है 6, देखिए 6 के लास्ट में क्या आएगा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाए 6 4। अब देखिए 2 का 8 होता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो किसका आ गया 16 का। फ्रेंड्स देखा अभी कितना ज़्यादा इजी है। और थर्ड नंबर क्या आता है 4 6 6 5 6, इसका भी हमने क्यूब रूट निकाला लास्ट से क्यूब लिया 6 के लास्ट में क्या आता है हमारा 6 46। अब देखिए 3 का कितना होता है 27 और 4 का कितना होता है 64, तो 64 हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे 3, तो ये किसका हो गया 36 का। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं 4 जो हमने एग्जाम्पल दिया 3 5 7 9 1 1, सिंपली कुछ नहीं करना लास्ट की थ्री डिजिट 1 1 भी लास्ट में क्या आता है 1। अब 357 देखेंगे किसके बराबर है या किससे छोटा है, बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम 7 का देखते हैं 345 8 का 512 ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका हो गया 7 का, तो ये किसका क्यूब रूट हो गया 71 का। ऐसे ही देखते हैं 1 3 8 2 4 क्यूब की बात करें तो लास्ट की 3 डिजिट बस ये याद रखना है, स्क्वायर की बात करें तो लास्ट की 2 डिजिट और क्यूब की बात करें तो लास्ट की 3 डिजिट, तो कितना है 4। 4 किसके लास्ट में आता है 4 के लास्ट में आता है और 13 1 का 1 2 का 8 3 का 27 ज़्यादा हो गया, तो इसका आ जाएगा 2 का, तो इसलिए इसका आंसर हमारा कितना हो गया 24। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये कितने ईजी हैं, आप बस एक काम करिए अपनी बुक उठाइए और बुक से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये ट्रिक आपको एकदम याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम आपको आगे भी ट्रिक देते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आजकल हम सभी लोग व्हाट्सएप और फेसबुक या यूज़ करते हैं, तो इसी तरीके से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिए। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और अभी तक आपने हमें जितना सपोर्ट किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।